नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एमडी तस्करी करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 18 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी मनोज बबलू सतनामी है, जिसके खिलाफ इससे पहले करीब 13 आपराधिक मामले शहर के विभिन्न थानों में दर्ज है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस दस्ते को गोपनीय जानकारी मिली थी कि एक अपराधी मुंबई से गीतांजलि एक्सप्रेस से नागपुर आ रहा है और उसके पास एमडी ड्रग्स है। इसी सूचना पर पुलिस ने संतरा मार्केट की तरफ रेलवे स्टेशन पर ट्रैप लगाया था। इस संदिग्ध आरोपी के रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही जब पुलिस ने उसे रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास 18 ग्राम एमडी मिली। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मनोज सतनामी बताया, जो कि गंगा जमुना पुलिस चौकी के पास रहता है और मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है। जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड को चेक किया गया तो उसके खिलाफ चोरी डकैती जैसे करीब 13 आपराधिक मामले शहर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज होने की जानकारी मिली। इससे पहले आरोपी को तड़ीपार भी किया जा चुका है। पकड़े गए आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए गणेशपेट पुलिस के हवाले किया गया है। आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली होती की एक मनोज सतनामी नावाचा इसम गणेशपेठ हद्दीतील संत्रा मार्केट येथे एमडी बाळगून असल्याबद्दल माहिती मिळाल्यावरून आमची टीम तिथे जाऊन आम्ही त्याला त्याची झडती घेतली। त्याच्यामध्ये त्याच्या खिशातून 18 ग्रॅम एमडी पावडर मिळालेला आहे। त्यावरून त्याला गणेशपेठ पोलिसांनी इथे गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। तो प्राथमिक चौकशीमध्ये आतापर्यंत समजलं की तो मुंबईला मुंबईवरून त्याने माल घेऊन आलेला आहे। तो 18 ग्रॅम एमडी त्याच्यावर आतापर्यंत जवळपास 10-12 गुन्हे दाखल आहेत त्याच्यावर। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, बीसीएन न्यूज, नागपूर।